रणवीर विक्की कौशल नहीं इस एक्टर को अपने लिए चुनौती मानते हैं टाइगर श्रॉफ, नाम आपको भी चौंका देगा। बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में पहचान बना चुके टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में टाइगर अपनी को स्टार अनन्या पांडे और तारा सुतारिया के साथ करण के चैट शो कॉफ विद करण 6 में पहुंचे थे। अपनी एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर टाइगर श्रॉफ यूं तो काफी रिजर्व रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी कॉफी विद करण के सोटे पर कई दिलचस्प बातों का खुलासा किया। उन्होंने साफ कहा कि ऋतिक रोशन के अलावा उनका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि उनका कहना है कि उनका बॉलीवुड के यंग स्टार्स रणवीर सिंह और विक्की कौशल से एक्शन के मामले में कोई कंपटीशन नहीं है। ऋतिक रोशन के बड़े फैन हैं टाइगर श्रॉफ। दरअसल बागी और हीरोपंती जैसी फिल्मों में काम कर चुके टाइगर मानते हैं कि उनके समकालीन एक्टर्स जो कर रहे हैं वह ऐसी फिल्में नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे सितारों के साथ किसी तरह का कंपटीशन फील नहीं होता है। हालांकि वे ऋतिक के जितने बड़े फैन हैं उतना ही उन्हें कंपटीशन भी मानते हैं। टाइगर श्रॉफ ने ये भी कहा कि अगर ऋतिक की फिल्म कहो ना प्यार है साल 2014 में रिलीज हुई होती तो लोग टाइगर को नोटिस तक नहीं करते। जबरदस्त एक्शन में फिल्म में काम कर रहे हैं दोनों स्टार्स। खास बात ये है कि फिलहाल टाइगर श्रॉफ अपने पसंदीदा स्टार ऋतिक रोशन के साथ सिद्धार्थ आनंद की एक एक्शन फिल्म में काम कर रहे हैं। दोनों स्टार्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक फिल्म का टाइटल फाइनल नहीं किया गया है। इस फिल्म की घोषणा होने के साथ ही दोनों ही सितारों के फैंस काफी उत्सुक नजर आए थे। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग पूरी कर चुके हैं टाइगर। इस फिल्म के साथ ही अनन्या पांडे और तारा सुतारिया अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत करने जा रही हैं।